इच्छामि खमासणो वंदी उजाणी जाय निसी आए मथेण वंदामी। इच्छामि खमासणो वंदी उजाणी जाय निसी आए मथेण वंदामी। इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाद निर्वोह छो जी स्वामी साता छे जी। भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छकारण संदी साहू भगवान इच्छा कारण संधि साहू भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जनकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे विणाए विरा वच्चे अलावे सालावे उपासन उचासने समासने अंतर भाषाए उवरी भाषाए जनकिंची मज्ज विणह पुरुहु परिहम्वा सुहुवम्वा तुब्बे छन जनह अहम न जनामि तसम इच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमासणे वंद्यु जानी चे निसिया मथेर वंदामि। इच्छकार भगवान पसाय करी वायना इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छकार इच्छकारी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायणा करावशो प्रसार करावशो जी। नमो अरियंतानं नमो सिद्धानं नमो अरियानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सर्वसाधनं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापवनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं भवै मङ्गलम् जयै जगदीवजोनि मे आनो जगद्गुरु जगानन्दो चरणो जगवन्दो जयै जगत्प्रियामयै सुयाणभवो मेथयराणम् अपच्छिनो जयै जयै गुरुलोकानां जयै महापामहाय सर्वाणि सर्वगुणशायि सर्वापिष्टार्थदाय गौतम स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी अज्ञान देवीरांदन ज्ञान जन सलाजय नेत्र मुन्मीलित तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। धर्म लाभ
हाँ मैंने थोड़े स्टेप दिए हैं, अलग अलग स्टेप बनाए हैं, अब आपको किसको अच्छा समझ में आता है जरा नीता बेन बखारिया जी पढ़ेंगे, आप देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। अनम्यूट नीता बेन। हाँ, द फर्स्ट स्टेप इज यथा प्रवृत्तिकरण, उसके बाद जीव चरम यथा प्रवृत्तिकरण करेगा, ये स्टेप में आने से जीव वापस यथा प्रवृत्ति वापस पीछे नहीं हटेगा, उसके बाद अपूर्वकरण करेगा, उसके बाद ग्रंथि भेद होगी और उसके बाद अनिवृत्तिकरण होगा। ग्रंथि भेद में मिथ्यात्व की गांठ जो है वो छूट जाएगी और सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर जीव प्रगति करेगा। और छठे में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये प्रक्रिया जो आपको समझ में आ रही, अब हम यहाँ से निकल गए, फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, सेकंड स्टेप भी आपका पूरा हो गया। अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में फर्क क्या है पारू बहन, बोलो। साहिब जी, चरम यथा प्रवृत्ति इज द लास्ट राउंड ऑफ द यथा प्रवृत्तिकरण। वी डन यथा प्रवृत्तिकरण इन्यूमरेबल टाइम्स, बट चरम यथा प्रवृत्तिकरण इज द लास्ट साइकिल ऑफ द यथा प्रवृत्तिकरण प्रोसेस। आफ्टर दैट we have entered into granthi bhed and then we will get samyak darshan, so that's our last step. Very good. Ab aap ye dekhenge ki ye jo first step hai, ab ye shayad aapka asankhya bar bhi ho, general yatha pravritti karan, in general kya, अब वो एक जन्म में होगा, दूसरे जन्म में करेंगे, तीसरे जन्म में जाके करोगे, एक बार करोगे आप, दो बार करोगे, दस बार करोगे, सौ बार करोगे, हजार बार करोगे, क्या मालूम आप कितनी बार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। होता तो है ही, ये सब होता है तभी तो करते हैं, नहीं तो थोड़ी करते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये यथा प्रवृत्तिकरण कब कौन किसने कितनी बार किया है, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग जाने। अब इसकी लिमिट नहीं है, अब लिमिट नहीं है तो कोई कितनी भी बार कर सकता है, लेकिन ये है कि तो चरम यथा प्रवृत्तिकरण, इधर देखिए, अब चरम के लिए आप इसके साथ जोड़ दो, जो अपूर्व करण के दरवाजे पर पहुंचा दे उसी को कहेंगे चरम यथा प्रवृत्ति करण। बोलो विजय भाई। जो अपूर्व करण तक पहुंचा दे उसी को चरम यथा प्रवृत्ति करण कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे बात। अब इधर ये यथा प्रवृत्ति करण कैसा है, आप अपने घर से जाने के लिए निकले हिमालय की तरफ, आपको हिमालय चढ़ना है, हिमालय की तरफ जाना है, तो हिमालय जाने के लिए आप अपने घर से निकले, अब कितने दिन में हिमालय में पहुंचेंगे आप, अब इधर गए उधर गए घूमते रहे फिरते रहे आप और कई दस जगह पर गए, आपकी मर्जी का सवाल है। लेकिन अगर जेट प्लेन से अगर किसी को जाना है तो फटाक से सीधे ही जाए साहब, वो सीधे ही जा करके, तो जैसे आपने देखा है कि इंद्रभूति अग्निभूति आदि 11 गणधर जो है उन्होंने जनरल यथा प्रवृत्ति करण में इतना टाइम नहीं बिताया, उन्होंने फटाक से सीधे स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही सीधे जो है अपूर्व करण में, ये चरम यथा प्रवृत्ति करण में आ गए और चरम यथा प्रवृत्ति करण करके वो अपूर्व करण में आ गए। हमारे जैसे हम लोग जो है वो बहुत जन्म बिता देते हैं, वर्षों बिता देते हैं, कई बार लंबा टाइम बिता देते हैं, देखेंगे 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 ऐसा करते रहते हैं लोग, समझे कि नहीं। आप जैसे इंडिया में देखते हैं कईयों की शादी होती है तो माँ बाप बेचारे जो है लड़की के लिए
कन्या के लिए वर देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, साहब एक साल बीत गया, दो साल बीत गया, तीन साल बीत गया, और वहां आपके अमेरिका में तो गाली पार्क में गए, गार्डन में गए, दो मिनट में फाइनल हो गया, और सीधे घर में आकर पापा को कहते पापा हम तो कोर्ट में मैरिज करके ही आए। तो वो तो फिर जो है इतना फास्ट काम हो गया, इधर तो माँ बाप दो दो साल तक ढूंढते रहते। इंडिया में तो बहुत होता है ऐसा, अब आपके वहां की बात अलग है साहब। अब आपके वहां पर तो बिल्कुल पार्क में गए, गार्डन में गए, बे मिनट मल्या बात थे गई। एक जने ने तो कहा हम खाली बस में साथ में बैठे थे सीट पर, अब दादर आने तक का इंतजार करते थे, और हमारी दोनों की बात हो गई, फाइनल हो गया हमने, और फिर वापिस घर जाके पापा को कह दिया कि हम तो शादी करके आए। अब कहाँ करके आए, तो कि बस में ही हो गई हमारी। अब ऐसा होता है तो वो लोग कितना टाइम लेंगे, उनका तो बहुत फास्ट काम हो जाता है। अब यहाँ चरम यथा प्रवृत्ति करण जो होगा, अब वो सिर्फ आपका अंतर मुहूर्त होगा, अपूर्व करण होगा वो अंतर मुहूर्त होगा, अब ग्रंथि भेद होगा वो अंतर मुहूर्त होगा, अनिवृत्ति करण होगा अंतर मुहूर्त होगा। ये सब आपके जो अब आगे के स्टेप जो चलने हैं, अब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब आप जो जितना टाइम लगना था वो सबसे ज्यादा पहले जनरल यथा प्रवृत्ति करण में लग गया। अब आपको सबको मालूम है, आप अच्छी तरह से जानते हो कांति भाई, दही वड़ा बनावा में कितना टाइम, मने दही वड़ा खावा में कितना टाइम, अमेरिका में जल्दी बनी जाए से दही वड़ा। अरे भाई अमेरिका में जल्दी बने, जितना टाइम खावा में लागे इतना टाइम में बनी जाए, खावा में थोड़ो समय लागे छे, बनावा बहुत समय लागे छे। हाँ तो आप ये समझिए कितना फर्क है। अब जिनको भी बनाना है वो पूरी प्रोसेस तो करेंगे तब होगा। सुबह से उठकर महिलाएं पहले दाल भिगोएगी, फिर रखेगी, फिर वो ऐसे कुछ करेगी, तब जाकर के दही बड़ा बनता है। खाने वाले को क्या देखना है, फट फटाफट मुंह में रखा, दो मिनट में खा लिया। तो वैसे ही यहाँ पर है। अब जिसको चरम यथा प्रवृत्ति करण जल्दी करना हो, उनको देखना है वो कितना फास्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले आप क्या समझेंगे, अब पहले आप यहाँ पर जो है ये अंतर मुहूर्त का टाइम समझ लो। हाँ जी, अंतर मुहूर्त मतलब क्या, लेस देन 48 मिनट्स। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या, less than 48 minutes, something less than 48 minutes, last 48 minutes, दो समय से लेकर 48 के अंदर का भाग, less than 48 minutes। शब्द पहले क्या कह रहा है, जो मुहूर्त काल है उस मुहूर्त काल के अंदर का भाग जो है। अब ये एक अंतर मुहूर्त, ये एक अंतर मुहूर्त, इसको पहले का नाम दिया है जघन्य, दूसरे का नाम दिया है मध्यम, और तीसरे का नाम दिया है उत्कृष्ट। अब है अंतर मुहूर्त है, लेकिन संसार में जितने जीव है उन सब के हिसाब से आप करने जाओ तो आप देखते जाओ तो ख्याल आएगा किसको कितना कम समय लगता है, किसको ज्यादा समय लगता है, किसको और कितना ज्यादा समय लगता है, या किसको और कितना कम समय लगता है। तो सबके हिसाब से इधर हम गणधरवाद में देख रहे हैं, इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि, इन सबको कितना समय लगा, और लोगों को कितना समय लगता है। नैसा जैसे को जंगल में मुनि महाराज ने धर्मलाभ देकर नवकार मंत्र सुनाया, उनको कितना टाइम लगा, और लोगों को कितना टाइम लगता है। तो ये पहले स्टेप के अंदर जो हमको जनरल यथा प्रवृत्तिकरण में आपको ये दिया है कि इतना टाइम लगता है, तो वो टाइम कितना है, इतना असंख्य बार का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वो करने के बाद फिर राग द्वेष कषाय में आ जाता है, फिर राग द्वेष कषाय में आ जाता है, फिर राग द्वेष कषाय में आ जाता है।
एक कन्या अपने घर में यथा प्रवृत्ति करण उसने शुरू किया। अब यथा प्रवृत्ति करण शुरू किया, उसके भाव बन रहे थे, इधर माँ बाप ने शादी करा दी। अब वो शादी कराई तो ससुराल में गई तो वहां पर देरानी से झगड़ा, कल जेठानी से झगड़ा, तीसरे दिन सासू से झगड़ा। अब पूछा बेचारी घर में अपनी शादी के पहले यथा प्रवृत्तिकरण शुरू किया था तो वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करती थी, पापा एक बार मेरा सम्यक दर्शन हो जाने दो, फिर बाद में शादी कर लेना। पापा ने कहा कि ज्योतिष ने कहा है कि 2 साल तक बाद में मुहूर्त नहीं आएगा, अभी हमको अप्रैल के पहले पहले ही शादी करनी है। अब 2 साल मुहूर्त नहीं आएगा, अभी ये बेटी ने बेचारी ने मार्च महीने में तो चालू किया यथा प्रवृत्तिकरण, और ऐसी परिस्थिति आते 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 ये हो गया कि बापा ने शादी करा दी। शादी होके ससुराल में गई तो एक दिन देरानी ऐसा बोलती है, एक दिन जेठानी ऐसा बोलती है, एक दिन सासू बोलती है कि आज सब कपड़ा धोना है, पोछा लगाना है, बर्तन करना है, सब आपका काम। दूसरे दिन देरानी का नंबर था, वो कहती है कि मारी कमर दुखे छे, मारा वर्ती आजे तूज कर दे। तीसरे दिन जेठानी ने कहा कि मन ताव से बुखार है, आप ही कर लेना। अब वो बेचारी यथा प्रवृत्तिकरण कब करे। 1 महीना बीतते बीतते ऐसी तबीयत पे परिस्थिति हो गई कि अब उसको राजद्वेष क्लेश कसाय बढ़ने लगा। अब राजद्वेष क्लेश कसाय करे कि यथा प्रवृत्तिकरण करे, क्या करता उसको। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब ये राजद्वेष क्लेश कसाय बढ़ता गया और बढ़ता गया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, अब उसके डिलीवरी हुई, बेबी हो गई साथ। अब उसके बाद में 2-3 साल और बीत गए, अब बोले यथा प्रवृत्तिकरण का कोई विचार ही नहीं आता है। 3 साल बाद और दूसरी बेबी हो गई, अब और भी कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। 10 बरस बीत गए, 15 बरस बीत गए, अब राजद्वेष और क्लेश का साय में जीवन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। अब खुद की बेटी बड़ी हो गई, बोले 25 साल की हो गई, अब उसकी शादी करनी है साहब। ये करते करते वो 80 साल की उम्र में आ गई। अब यथा प्रवृत्तिकरण कब करे, बोले अब मेरे को पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया तो पथारी में से खड़ी नहीं हो सकती है, अबे मारू कौन करे बद्दो, अबे कोई करे नहीं, इतने उनको और गुस्सा आता है। अब क्लेश कसाय, आर्त ध्यान, चिंता, राजद्वेष कसाय इतने बढ़ गए। अब वो 84 की उम्र में मृत्यु के समय में उसने बड़ा अफसोस व्यक्त किया कि मैं यथा प्रवृत्तिकरण कर ही नहीं पाई, और जैसे ही चालू करती हूँ और फिर राजद्वेष होते हैं तो मेरा तो पूरा जन्म बीत गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई था। अब ये राजद्वेष, ये क्लेश कसाय बार बार जीव को पीछे धक्का देकर फिर नीचे गिरा देते हैं, जीव फिर पीछे धक्का खाकर फिर पीछे चला जाता है। अब करें तो क्या करें, करना तो कैसे करना, ऐसी परिस्थिति में जीवन बीतता चला जाता है, आयुष्य बीतता चला जाता है। और जब वास्तव में करने की नौबत आती है तब हाथ में से बाजी चली जाती है। अब आप सोचोगे अब तो बहुत अच्छा है ना, अब तो पैरालिसिस हो गया तो बिस्तर में अकेले ही तो है, अब क्यों नहीं कर लेते, अब क्या तकलीफ है, क्यों नहीं कर लेते। लेकिन अब सिचुएशन सब ऐसे बदल जाते हैं कि अब राजद्वेष, क्लेश कसाय, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, देह चिंता, परिवार चिंता, इधर की ये इधर की, अब ये यथा प्रवृत्तिकरण भी है तो भावात्मक है ना, आत्मा के परिणाम स्वरूप ही तो है। और करण शब्द क्यों जोड़ा है इसके अंदर, L7 बोलो सर जी। करण यानी जो हमें हमारा आत्मा की शक्ति है वो करण है। हाँ जी, ये जो आत्म पुरुषार्थ है आपका, आत्मा का प्रबल पुरुषार्थ जो है, इसका नाम यहाँ पर करण के रूप में। अब वो करण आपको किसमें जोड़ना है भाई, एनर्जी तो है, शक्ति तो है, लेकिन हाउ टू यूज, इन व्हाट वे, आपको इसको किस रास्ते में आप उपयोग करना चाहते हो पहले ये देखो। तो ये जो यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए, अब आत्मा स्वस्थ हो, इन अशुभ लेश्याओं में ना हो, आर्त रौद्र की परिणति में ना हो, कसाय की मात्रा कम हो, हमारी लेश्या सुधरती जाए, गुणों का विकास होता जाए, दोष टलने लग जाए, ये सब जो आपने देखे जितने हमने सब, अब इन सब में से आगे बढ़ेंगे
तब आपकी दृष्टि खुलेगी। फिर मित्रा तारा भला दिप्रा दृष्टि में से आप आगे बढ़ेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे, दृष्टि मतलब क्या है कांति भाई? दृष्टि का मतलब इनर विजन। आप अंदर से बोलिए इनर विजन जो है आत्मा नहीं अंदर का उघाड़ जैसे। अब ये आत्मा के अंदर का उघाड़ जब आपका बढ़ेगा तब जाकर के आपकी तत्व की रुचि बनेगी। अब आपकी तत्व रुचि जैसे बनेगी उस कक्षा में आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये करते करते आपकी यथा प्रवृत्तिकरण हो जाए। अब इसमें हमने जितने भी मिथ्यात्व के प्रकार वो सारे विचारों में से आपके टल गए कि नहीं, उनमें से आप बाहर निकल गए उभर गए कि नहीं? अब आपको राग द्वेष के विचार नहीं आ रहे, क्लेश कषाय के विचार नहीं आ रहे, अरुचि के आपको उन्मार्ग को सन्मार्ग मानने का विचार नहीं है, सन्मार्ग को उन्मार्ग मानने का विचार नहीं है, सन्मार्ग ही सन्मार्ग है। अब देव गुरु धर्म तत्व परमात्मा पर्व धर्म लौकिक लोकोत्तर आप सब कक्षा में पार हो गए। अब जैसे इन शब्दों में से पार हो गए अब लास्ट में क्या बचा था आपके पास? लौकिक लोकोत्तर से आगे निकलने बाद अब जो कषाय धारा के हैं अभिनिवेशिक और अभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक और अनाभोगिक और सांशयिक ये जो थे अब इनमें से हम पार उतर रहे हैं तो ये हमारे कषाय निमित्तक थे। अब आप इन कषाय निमित्तों में से जैसे आगे बढ़े आपके लिए बड़ा अच्छा चांस आया सब आगे का। अब ये आगे का चांस आया तब आप आ गए यहाँ पर चरम यथा प्रवृत्ति करण। Now this is last round. अब last round में आ गए तो आप समझ लेना कि चरम यथा प्रवृत्ति करण अंतर मूर्त के ही काल का है। हाँ जी, इधर ब्लैक बोर्ड पर देखिए आप। अब आपको ये जघन्य जो है एक समय से लेकर नौ समय तक, एक समय से नौ समय तक आपका रह जाए तो ये समझिए मिनिमम टाइम आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम टाइम आपने लिया है। अब ये कौन सा है सेकंड मीडियम टाइम में। अब आप आगे बढ़िए दस समय से लेकर के अब आप आगे बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ आइए कि आप जो है 48 मिनट के पहले जो है 40 मिनट के टाइम तक ले लो। अब आगे का थर्ड का जो है ये उत्कृष्ट यथा उत्कृष्ट समय जो है अब आपका 48 मिनट का काल। अब वो भी 48 मिनट का आप इसमें से लो कि आप 41 से 48 मिनट का काल। समय कब आपको किसमें कितना लगेगा किसी का टाइम जो है बहुत कम है। अब महावीर के साथ इंद्र बुद्धि गौतम का डिस्कशन चल रहा है। गौतम भी बड़े अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर विद्वान पंडित है, महावीर खुद सर्वज्ञ है। अब महावीर समझाए और गौतम को समझाने लगे तो कोई इतना टाइम थोड़ी लगने वाला है। ये तो हमारे लिए यहाँ 6-7 महीने लग गए यथा प्रवृत्तिकरण समझने में। अब महावीर स्वामी की गौतम को 6-7 महीने थोड़ी समझा रहे हैं, वहां तो 6-7 मिनट में तो काम हो गए। अब वो मध्यम में भी नहीं है जघन्य, अल्पकाल के अंदर और फिर अल्पकाल में यथा चरम यथा प्रवृत्तिकरण में आ गए। अब आकर के थर्ड स्टेज में आके अपूर्वकरण ही करना। अब अपूर्वकरण में भी कोई 48 मिनट पूरी ले जरूरी नहीं है, किसी को 10-20 मिनट में ही हो जाए, किसी को जघन्य अंतर मूर्त काल में हो जाए। आत्मा के अध्यवसायों में आने वाली तीव्रता, परिणामों में भावों में आने वाली वैसी तीव्रता, अब उसमें कब किसको कितना समय लगता है या किसी को कम समय लगे या किसी को ज्यादा समय लगे
अब आपको अपूर्व करण इधर देखिए, इसमें भी करण शब्द ही जोड़ा है। आखिर करण शब्द का वही अर्थ यहाँ पर भी लाना है। अब आपको अपूर्व करण का मतलब क्या, यहाँ पर अपूर्व तो यहाँ पर शब्द ही आपके लिए बदल दिया है। अब ये आपको देखना है कि यहाँ पर पूर्व का मतलब पहले, अब आप ये देखेंगे पहले मतलब क्या, इसके पहले के काल में आपने कभी नहीं किया है, अब ये हो गया अपूर्व। आज जो आप कर रहे हो ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी ये काम नहीं हुआ, ऐसा मौका कभी नहीं आया, ये टाइम कभी नहीं आया। बोलो आप पारुल बहन, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ का, विच इज नॉट हैपन इन योर लास्ट 50 ईयर्स एंड यू हैव नेवर जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। मेहता जी आपकी लाइफ में ऐसा, आपको कितने 75 हो गए, तो ऐसा कौन सा प्रसंग जो विच नेवर कम इन योर लाइफ। हाँ बोलो पारुल बहन, जरा बोलो, बधाई विचारी राखजो, जरा विजय भाई आप विचार करके रखना, बीना बहन तमारी बाजू में कहजो, जरा शोधी राखजे, पछी तमे तमारी वारी आवे त्यारे बोलजो। बोलो पारुल बहन बोलो। साहेब जी up till now I had only heard about all the Tirthankaras and their life and learned only about Namoryantanam etc, but this Yatha Pravritti Karan and the details and the process of Samyak Darshan I had never learned in my 55 years of life. So this is first time that I heard about it and the process to go there. अभी आप कोई nobody will say about this class, nobody will say about this occasion, but what happened which is never come in your past full life। चलो बोलो बिना बहन तुम्हारी बाजू में को साहेब जीवन और जन्म जे मनुष्य नु जन्म થાય છે એ બીજી વખત આ ભાવ માં તો ના જ થાય ને, એટલે એ એક જ વન ટાઈમ ઇવેન્ટ છે, એના પછી એ ઇવેન્ટ થાય નહીં પાછું। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वही नहीं। चलो मेहता जी बीजा विजय भाई साहेब जी, साहेब जी શત્રુંજયની જાતે હમણાં જે થોડો વખત પહેલા કરેલી, થોડા વર્ષ પહેલા, બે ત્રણ વર્ષ પહેલા શત્રુંજયની, એમાં એક ધાવે એક સરખો એક જ શ્વાસે મેં આખો પહાડ ચઢી અને દાદાના દર્શન કર્યા, એ વખતે જે આનંદ આવ્યો હતો એવો આનંદ આજે પણ યાદ છે, હજી સુધી આવ્યો નથી સાહેબ જી। અમે તો આવી ગયો એની વાત બોલ્યા કાકા, મિસ નેવર કમ ઇન યોર લાઈફ। ચલો સુનિતાજી કોચર, नीना बेन, भूपेंद्र भाई दरवाजो खोलो। साहिब जी जब नवानु या साहिब जी मथेन वंदा में जब नवानु यात्रा किए थे ना, तब निकलते समय वहां से फिर जो आदिनाथ भगवान को देख के इतने आंख में आंसू आए कि अब छोड़कर जा रहे हैं वापस कब आएंगे, वो शायद मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। चलो आप तो मेमोरी बोले। नीना बेन, भूपेंद्र भाई साहेब जी, वर्षो पहला मने एवं तो के बजा अठाई के तपस्या के विचे करी सके छे, पण पछी एक बार में हिम्मत करीने अठम करियो ने पछी दरेक परिसर में अठाई करवा आवे थई सके छे। मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ कि आपकी लाइफ में हो गया वो नहीं बोलना है, which never came in your life, never came, never never happened in your life। आप तो क्या बोल रहे हो कि जो हुआ है उसकी याद
तो ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, लेकिन अभी आपने ऐसा जैसे कांति भाई हूँ मारा मनु को के महावीर स्वामी ना जेवा 180 उपवास करवानो विचार मने अजी सुधी एट द एज ऑफ माय रनिंग इन 72 अजी सुधी मने वो विचार नथी आए, इच्छा पण नथी थई। हवे तमे એમ કર્યું કરી લીધે નો તમને આનંદ આવ્યો તમે એ બોલો છો, વિચ ઇઝ ઓલરેડી હેપન ઇન યોર લાઈફ। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अपूर्व करण अपूर्व विच नेवर हैपन इन योर लाइफ बट स्टिल यू हैव दैट टाइप ऑफ थॉट्स विच मे पॉसिबल इन योर लाइफ। साहब भिक्षा लेवानो साहब ही वाज एग्जैक्टली दैट इज व्हाट माय हां बोलिए आप साहब भिक्षा लेवानी बोलो बोलो तमे वैराग्य साहब हजी एवं कही आयो नहीं कि दीक्षा लेवा माटे साहस करी शकीए। हाँ प्रवीण भाई बोलिए। हाँ साहब जी, आज नेमिनाथ भगवान का दीक्षा दिवस था, कल्याणक था, तो फिलखाना मंदिर में आज महोत्सव रखा था अभिषेक, तो उस महोत्सव में हम लोग गए थे, मैं भी गया था पूजा के वस्त्र में अभिषेक करूंगा ये सब। तो वहां पे जो पहले अभिषेक में वास्केप दिया था, तो वास्केप देकर ये बताया कुछ अभिग्रह ऐसा करो, तो मैंने पहली बार ऐसा अभिग्रह किया। मैं भी कभी ऐसा मौका मुझे मिले जिंदगी में कभी भी इस बार में ये आग्रह, मैं भी मेरु पर्वत पे जाकर जन दीक्षा कल्याण या जन्म कल्याणक ऐसा मनाओ। बहुत अच्छा है। हाँ जी कौन, गोकुल जी। हाँ जी मथे वंदामी गुरुदेव। मुझे तो बचपन में भगवान महावीर जी आए थे सपने में, मगर अनफॉर्चुनेटली बाद में इट वाज अ विलेज ऑफ 2000 पीपल। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड। देन आई एज यू नैरेटेड द स्टोरी दैट यथा प्रवृत्तिकरण जिंदगी में बहुत बार नहीं कर सकते अपन, दैट आई वाज कोरिलेटिंग एंड देन समहाउ आई बिकेम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। Then came and then all this responsibility come which you explain. So it exactly it happens. If yatha pravruti karan, there is no chance to do unless you are destined or your efforts are there. So thank you very much Gurudev for explaining. And we are getting now opportunity to do that, which is once in lifetime. Thank you for that. हाँ जी चलिए, अब आपको ये सोचना है विच नेवर हैपन्स इन योर लाइफ इन योर पास्ट लाइफ, विच नेवर हैपन नॉट मीनिंग ऑफ दैट बट विच नेवर केम इन योर थॉट आल्सो एंड विच यू नेवर इमेजिन आल्सो। अब माता जी आप जरा सोच के समझ के बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही अपने आनंद को व्यक्त करेंगे। साहेब जी मैं जितना जितना आत्मा के बारे में सोचती हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचती हूँ और उसकी अनुभूति करने के लिए, मतलब वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ लेकिन मैं उसके बारे में सोचती बहुत हूँ कि वो क्षण कब आएगा कि मैं अपने आप को मैं हूँ, मतलब इस चीज को मैं महसूस कर पाऊंगी। और मैं बोलू? हाँ जी बोलिए। मैं एक बार हॉस्पिटल में थी, मैं लेटी हुई थी, मेरे पास में मेरा बेटा और मेरी देरानी थी, वो मुझे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो मेरे को एक म्यूट में चला गया आपका। नॉट द पास्ट What will happen? कभी नहीं किया है मैंने। भूतकाल की मत बोलिए, हमारा थिंकिंग भी नहीं आई है, वो चीज बोलनी है। मैं बोलूं महाराज साहब, आपका सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कब सिमंदर स्वामी का दर्शन होगा और पूछेंगे कि मेरा केवल ज्ञान कब होगा। साहिब जी पहले यहाँ पर आप लगता है, आपका सुनने के बाद लगता है आत्मा कैसा होगा। करण को समझने की कोशिश करो। अब आज हम एट प्रेजेंट यहाँ पर है, अब ये इस प्रेजेंट का पास्ट टाइम हो गया। अब ये पास्ट जो है इट इज ऑफ नो टाइम।
either past time or the past life. लेकिन ये आपके जीवन में घटना घटी नहीं है. It is not in your experience. It never comes in your experience. Not only in your experience, but it never comes in your thoughts. आपको कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ, आपको कभी ऐसे भाव नहीं आए, आपकी कभी इच्छा ऐसी इच्छा नहीं हुई. ख्याल है कि नहीं? मैंने अभी कहा कि मेरी 180 उपवास महावीर के जैसे उपवास करने की इच्छा पूरी लाइफ में नहीं. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, नहीं हुई सर. अब आप ये सोचिए, अब 180 उपवास की घटना तो दुनिया में है ना, महावीर ने किए तो है ना, चौबियारे किए हैं, बिल्कुल जो है 180 उपवास चौबियारे किए. अब ये घटना तो घटी है, मैंने व्याख्यान में 50 बार कहा है. अब मैं तो व्याख्यान देता हूँ, समझाता हूँ, कहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा कभी ऐसा ऐसे करने की नहीं. ऐसा ये अपूर्व करण की एक घटना. अब इसके लिए भाव बन जाए, इच्छा प्रबल हो जाए, तीव्र इच्छा हो जाए, ऐसा जो है, ऐसे जो जिंदगी में कभी नहीं हुए, ऐसी इच्छा की तीव्रता करने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि आत्मा का करण हो, पुरुषार्थ हो, भाव हो, मैं ऐसा करके रहूं, मैं भी ऐसा कर लूं, विच इज नॉट पॉसिबल इन माई लाइफ. ख्याल है कि नहीं? लेकिन फिर भी जो है वो तीव्रता, वो निष्ठा एक बड़ी तीव्र बनती है, और वो निष्ठा एक तीव्र बन करके रहे, इसके लिए मुझे यहाँ पर ये करना जरूरी है साहब. अब इसके लिए अगर आप कोई अपने भावों को व्यक्त कर सक, ऐसा कोई भाव आपके मन में आया क्या बोरा जी? आप बोल सकते हैं आपके मन में ऐसा कोई अपूर्व करण की बात? मथे वंदना जी. मैं जब 41-42 साल का था, तब हमारे क्षेत्र में एक चतुर्मास हुआ था निरंजनाथ जी महाराज साहब का. तब मैं यहाँ का संचालक बना था. उसके पहले मैं जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद में जैन धर्म के बारे में पढ़ता था, लेकिन कभी इतना मतलब दृढ़ विश्वास नहीं हुआ था. पिछले लॉकडाउन पीरियड में कम से कम 1.5 साल से इतने प्रवचन, इतने ऑनलाइन में इतने क्लासेस वगैरह अटेंड करे, और अटेंड करने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत समय कम है, कि मैं जो बचा हुआ समय है उसको मैं कैसे अभी अपूर्व करण चरम करण में तो आ चुका हूँ ऐसा लगता है, लेकिन अब फटाफट फटाफट मेरे पास समय बहुत कम है, कि ऐसा दिल में आ रहा है कि कब संयम लूँ और अपनी यात्रा पे समाप्त करूं. चलो, बहुत धन्यवाद. अब हम यहाँ पर पहले इस विषय में ले लेंगे, अब आपको ख्याल आएगा था. अब आप लिखेंगे यहाँ पर ये अपूर्व क्या क्या है. ये हमने अपने अपने पर्सनल विचारों की बात की. यहाँ सम्यक दर्शन के हिसाब से, ग्रंथि भेद करने के हिसाब से, अब आत्मा को ये कहा जाए कि किसको आप अपूर्व करण कह रहे हो, कैसा अपूर्व करण, किसके साथ आप जोड़ रहे हो. अब ये नंबर एक पहला जो है, अरे इसको ये चालू, करंट नहीं आ रहा है, खत्म हो गया है.
ऐसे ही लगा कि अभी लाया ही। नंबर एक अपूर्व स्थिति घात है, ये नंबर एक। दूसरा जो है अपूर्व रस घात। अब ये नंबर तीन जो है, यहाँ पर अपूर्व गुण श्रेणी है। नंबर चार के अंदर अपूर्व जो है ये गुण संक्रम है। और नंबर पांच के अंदर अपूर्व नहीं आ रहा। हाँ जी, जो वंचाय छे। जी बेन, अपूर्व पहलू छे अपूर्व स्थिति घात, बीजू छे अपूर्व रस घात, त्रीजू छे अपूर्व गुण श्रेणी, चौथु छे अपूर्व गुण संक्रम, पांचमू छे अपूर्व स्थिति बंध। बहुत धन्यवाद। चलो अब भाई साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पांचों प्रकार का अपूर्व करण थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जरूर होगा, और अभी समझने के लिए बहुत मुश्किल जाएगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई अधूरा बीच में से छोड़ मत दे। आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, 6-7 महीने इतना यथा प्रवृत्ति करण में आपने समय दिया है, तो अब लास्ट में आते आते अब पहाड़ चढ़ने की शुरुआत हो गई। अब घर से निकलकर हिमालय तक तो गए आप, लेकिन अब पहाड़ चढ़ने की शुरुआत हो रही है। अब कहीं आपने गलती कर दी और बीच में छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा। बोलो फरिया जी, कैसे समझाएंगे आप? अपूर्व स्थिति घात मतलब के ड्यूरेशन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जाएगी। अपूर्व रस घात मतलब अपूर्व स्थिति घात का मीनिंग ये नहीं है भाई साहब। अब जीव जो है यथा प्रवृत्ति करण की सफलता क्या है? आप जीव पहले यथा प्रवृत्ति करण के अंदर ही 70 कोड़ा कोड़ी को घटाता घटाता 1 तक लेकर आ गया है। अब आप उसी को वापिस अपूर्व स्थिति घात में रिपीट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं जी, आपको बात बात बैठ रही है, समझ में आ रहा है? पहले ये देखना है आपको यहाँ पर। अब यथा प्रवृत्ति करण जनरल वाला पूरा हो गया, फिर आपने चरम यथा प्रवृत्ति करण कर लिया। अब ये करने का मतलब ही यह है कि आप यहाँ पर प्रवेश कब करेंगे? अब जब यहाँ 70 था, अब यहाँ आकर के 1 के अंदर आप आ गए हैं। अब ये 70 में से आपने घटाया और घटाते घटाते इतना घटाकर आप 1 तब आ गए हैं। यहाँ ये कार्य यथा प्रवृत्ति करण का था, इसमें आपका ये रिजल्ट आ चुका है। बोलिए चंद्रेश भाई मसाले सो बोल सो। चलो पारुल बेन बोलो, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। साहब जी रिपीट करवानू आपे बात करी राइट। From 70 crore crore sagaropam, we have come to 1 crore crore sagaropam, and we are now qualified to enter the apurva karan. And now we are on the first stage of apurva karan, which is apurva sthiti ghat, which I have no idea what it is. Okay.
राइट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यथा प्रवृत्तिकरण व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यथा प्रवृत्तिकरण व्हाट यू हैव डन इन दैट फ्रॉम 70 करोड़ करोड़ टू 1 करोड़ करोड़ सागरों का यथा प्रवृत्ति करण के अंदर जब आप चरम यथा प्रवृत्ति करण में आ गए हैं इट प्रूव्स दैट कि आपने 70 से घटा करके 1 तक पर आप पहुंच गए ये फाइनलाइजेशन कब हुआ चरम यथा प्रवृत्ति करण उसको चरम कब कहेंगे वो अपूर्व करण का दरवाजा खोले मतलब समझ लो यथा प्रवृत्ति करण पूरा हो गया चरम यथा प्रवृत्तिकरण हो गया कल मेहमान का फोन आया था कि वो अमेरिका से आ रहे हैं कब क्या हुआ अभी प्लेन लेट है क्या अभी कितने घंटे लेट है अभी क्या हो रहा है अभी बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकले कि नहीं टैक्सी पकड़ी कि नहीं घर तक आए कि नहीं लेकिन इतने सब के अंदर आप सोचते रहे विचार करते रहे आप आराम से घर में सो रहे आपने क्या सोचा भाई अब प्लेन उतरेगा फिर कस्टम में जाएंगे फिर वहां से बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से फिर टैक्सी मिलेगी फिर रास्ते में ट्रैफिक है आपने आराम से सुई जाओ ने दरवाजा ऊपर बेल वाग से इतने आपने खबर पड़ी जैसे आपने उबा थे दरवाजा खोले आप आराम से सो गए और जब बेल बजी अब आपको विश्वास आ गया आ गए सेम लाइक दैट यहाँ पर भी जब यथा प्रवृत्तिकरण आपका आते आते होते होते अब वो वहां से अमेरिका से निकले हैं प्लेन पकड़ा है प्लेन लेट है अब यहाँ पहुंचेंगे फिर प्लेन टेक ऑफ होगा अब लैंड होगा उसमें से बाहर निकलेंगे कस्टम से बाहर आएंगे टैक्सी पर ये सब आपका जनरल यथा प्रवृत्तिकरण चला और जैसे ही वो आपके दरवाजे पर आकर बेल बजाए अब आपको दरवाजा खोलना है अब अपूर्व करण में प्रवेश करना है बोलो विजय भाई क्या पूछना है साहब जी ऐसे पूछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने पांच भाव बताए थे अभिनिवेशिक और वो सब उसके अभाव के कारण क्योंकि वो यथा पर प्रवृत्ति चरम यथा में वो चले गए तो आपकी स्थिति और रस में बहुत फर्क हो गया और अब ये गुण स्थान की तरफ जा रहा है उस ऐसे समझ सकते हैं इसे अभी उधर लंबे मत जाओ अभी गुण स्थान नहीं सॉरी गुण स्थान अपूर्व करण में आना है सेकंड स्टेज में एंटर करना है हाँ नहीं गुण श्रेणी बोल रहा था गुण स्थान नहीं अभी आगे मत जाइए अभी ये फर्स्ट स्टेप है फिर आगे आगे बढ़ेंगे आप अभी ये मैंने पहला ये शब्द आप ध्यान में लो अपूर्व अभी विच नेवर हैपन्स अभी आपके लाइफ में हुआ ही नहीं है बना ही नहीं है नहीं आया है अभी तक न पांच लाइफ में आया था न प्रेजेंट में आ रहा है लेकिन ये इसके स्टेप तो है कि नहीं ये इसके स्टेप है जरूर ये आपको मालूम है समझे कि नहीं तो ये आपको अपूर्व स्थिति घात जो करना है हाँ जी ये अपूर्व स्थिति घात जो करना है ये आप किस तरह से करेंगे अब इसके अंदर आत्मा को क्या करना है कैसा करना है अब मैं इधर जरा थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहता हूँ अब ये करना है जो भी काम करना है वो किसको करना है किस तरह से करना है ये है आत्मा का स्वरूप अब इधर जो है ये अंदर सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है ये आपका अनंतानुबंधी कसाय पहली बात ये फीलिंग किसको हुई आ तो मूलमा तो आत्मानु पोतानु गुण छे ये ओरिजिनली तो अंदर आत्मा के गुण तो गुण रूप में है अब इसके ऊपर ये जो आवरणीय कर्म आ गया ये आवरणीय कर्म आया इसने इसको मिथ्या तो बनाया और ये अनंतानुबंधी कसाय बना सॉरी इधर ये अनंतानुबंधी कसाय ने ये सम्यक दर्शन था वैसे ये आत्मा का विकराग भाव था अब ये विकराग भाव भी आपके कर्म के आवरण से दब गया पहली बात हमने कभी ये रियलाइज किया ही नहीं सम्यक दर्शन आत्मा का मूलभूत गुण है वितरागता आत्मा का ओरिजिनल गुण है
और इसके ऊपर ये आवरणीय कर्म आ चुका है। ये आवरणीय कर्म इसी का नाम यहाँ पर है मिथ्यात्व मोहनीय। इसी वितरागता के गुण पर आया हुआ ये आवरणीय कर्म ही जो है वो है अनंतानुबंधी कसाय। अब क्या करना, अब ज्ञानात्मक भाव हमारा ऐसा कब आया कि मैं इसको बिल्कुल हटा दू, बिल्कुल मिटा दू, यहाँ से इसको निकाल दू। फॉर एग्जाम्पल क्षायिक भाव का विचार कब किसको आया, क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन प्राप्त हो ऐसे भाव परिणाम कब किसके बने साहब। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, अब प्रति समय इसके अंदर इधर देखिए, अब ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपने किया ज्ञान, ये आपने क्या किया आत्मा का अपूर्ण अनंत वीर्य। अब ये जो गुण है इसमें से प्रकट होने वाली एनर्जी इसमें आए, इसमें से प्रकट होने वाली एनर्जी इसमें जाए, बरोबर। करण आ रहा है आत्मा के अनंत वीर्य गुण में से और भाव आ रहे हैं आत्मा के अनंत ज्ञान में से, दोनों यहाँ पर आपको मिक्स करना है। करण ने आपको शक्ति दी है और इधर से आपने ज्ञान उठाया, तो ये शक्ति आपकी ज्ञान में आई। अब ये ज्ञान की शक्ति आपको यहाँ लाकर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि सुई कपड़े को सीती है या धागा कपड़े को सी रहा है, बोलो कांति भाई बोलो। अरे आपको सुनने ना पूछा है ना, लेडीज को पूछना। हाँ बोलो ज्योत्सना बेन शाह, ये अंतर देवी जी ने आज जो है दरवाजा खोला है, बहुत धन्यवाद, बोलिए सर। दोनों दोनों सी रहे क्योंकि एक के बगैर नहीं चलता ना, सोए के और दोनों आइए। सुई थी कपड़ों सिवाय छे के दोरा थी कपड़ों सिवाय छे, बनने थी साहब जी, एक वगैरह एक थी तो चाले नहीं ने साहब, दोनों चलो। अब यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि जैसे वहां दोनों इकट्ठे होते हैं, अब इधर अपूर्व करण यथा प्रवृत्ति करण अनिवृत्ति करण, करण शब्द कहाँ से आ रहा है, आत्मा के अनंत वीर्य शक्ति के खजाने में, लेकिन वो एनर्जी शक्ति आपकी दूसरी दिशा में न चली जाए, इसलिए शक्ति को ज्ञान में लाना। अब शक्ति को ज्ञान की दिशा में मोड़ना है समझे, अब उसी में से ज्ञान बढ़ेगा तो भाव जगेंगे। अब किसी को तप में शक्ति ले जाना है तो कोई तप में ले जाना चाहे तो भी जाए चलेगा था। आप शक्ति किस तरफ मोड़ना चाहते हो, आत्मा की शक्ति का हिसाब नहीं है, अनंत है। अब ये हम यहाँ पर पहले क्या, ये आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति, अब यहाँ से आप इसको किस दिशा में ले जा रहे हो, ये आपकी दर्शन की दिशा है, ये ज्ञान की दिशा है, ये आत्मा के चारित्र की दिशा है, ये आत्मा के लिए तप की दिशा है। अब आप शक्ति को इधर मोड़िए, अब आप शक्ति को इधर मोड़िए, आप शक्ति को इधर मोड़िए। अब जैसे पर्यूषण आएगा तो हम तप के अंदर हमारी शक्ति को मोड़ेंगे। अभी आप क्लास में बैठ रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी ज्ञान में यूज कर रहे हैं, अब आप ज्ञान में शक्ति यूज करोगे तो आलस्य निकलेगा, प्रमाद निकलेगा, अलर्ट रहेंगे। अब कोई कोई दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उनको पूछते हैं क्या नहीं खोलता, तो कि महाराज हमें सूता सूता सांभली, तमने देखा है तो पछी हारू ना लागे ने, એટલે પછી આપણે દરવાજો બંધ રહે તો વાંધો નહીં, આરામથી સુતા સુતા સાંભળીએ શું સાહેબ, તમે તો બોલ બોલ કર્યા કરો પણ અમારે કમર દુખે તો શું કરવું,
मैंने कहा तो ठीक है भाई सॉरी मिच्छा में टुकड़ा आप आराम से सुनते तो हो कम से। अब उनको सुनते सुनते पूछो भाई कितना याद रहता है कितना नहीं, तो ये भी प्रश्न आता है समझा कि नहीं। अब ये प्रश्न जब सामने आता है तो जब आपके शरीर की ही अलर्टनेस नहीं रहेगी तो सुनने समझने में भी आपकी अलर्टनेस कम हो जाएगी। सिंसियरिटी एंड सीवियरिटी, अब दोनों के तरफ हम ध्यान देंगे तो ख्याल आएगा सर। तो जैसे आसन का, तो आसन के शरीर में, शरीर का आसन है ऐसा मत समझिए, शरीर तो माध्यम है लेकिन शरीर के आसन के साथ साथ आपको मन भी स्थिर करना है, आपके आत्मा को भी स्थिर करना है सर। अब क्या करेंगे, अब शरीर तो सबका अपना अपना है, वो है ही। ये धन्यवाद दीजिए माता जी, देखिए 79 kg के हैं लेकिन कभी सोते सोते नहीं सुनते, ये बरोबर स्थिर बैठे रहेंगे, दृष्टि बरोबर स्थिर रखेंगे, एक शब्द बरोबर पकड़ेंगे साथ समझे के नहीं। अब ये आपको देखना है, इधर देखिए, इधर मैंने बनाया अनंत वीर्य गुण, अभी क्या हुआ आवृत हो गया, आवृत हो गया जैसे कि सोते सोते। बोलो कांधे में सूट है और आवरण आ गया वीर्य के ऊपर, आप सो गए सो गए। एलिजाबेथ बोले ले तुम्हें पण एक बोलो सो गए सो गए सो गए। बोलो टीना बेन, अब उसका जो ओरिजिनल नाम है वो बोलो। साहिब जी आत्मा के वीर्य पे कवर आ गया, आवरण आ गया, आपको भी तीन नवकार गिनने पड़े। अब दूसरे बोलते हैं दूसरे कोई बोले उनका रिपीट मत करो। चलो इन्होंने भूपेंद्र, हाँ नीना में भूपेंद्र में दरवाजा खोला है, धन्यवाद बोलो। हाँ उसके ऊपर मिथ्यात्व और अनंता बंदी कसाई का आवरण आ गया है। नहीं 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 नहीं, अभी इसका बोलेंगे वो तो ही प्राइज मिलेगा। वीर्यांतराय, हाँ बस बस, अब पूरा जरा अधूरा मत बोलो, पूरा बोलो। वीर्यांतराय कर्म तीजी वार चांस आपको तो ते एक बोलो तो पची शू करो। कुंजल बेन बोलो, कुंजल बेन शाह नहीं, अच्छा बोलो एल्सा बेन बोलो। आप जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, नलिनी बहन, आप एक पार्ट ऑफ दैट बोल रहे हैं, आप पूरा ही बोलिए ना, क्या तकलीफ है। अब इधर से ही पहले आपके शरीर के एनर्जी, इधर से शक्ति प्रकट होना ही कम हो गया। आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान मारू अंतराय कर्म केटलू छे अने आत्मानु वीर्य गुण प्रगट केटलू छे, सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि आत्मा का अंतराय कर्म अनंत गुना ज्यादा सत्ता में उदय में है और अनंत में भाग की ही शक्ति आपकी प्रगट है। बोलो प्रवीण भाई उत्तर बोलो। सिमंदर स्वामी ये बताते हैं अंतराय कर्म अनंत अनंत अंतराय कर्म उदय में है और उसका अनंत में भाग का ही वीर्य गुण प्रकट है। विपिन भाई बोलो, शब्द छोड़े बिना बोलना। सिमंदर स्वामी ये कह रहे कि आत्मा का वीर्य गुण अनंत गुना है और उसका अनंत में भाग का गुण प्रकट है। तमे पण कर्म नु बोलो ने काका, बोलो परमिता बेन बोलेंगे, प्रदीप जी जैन बोलिए, चलो राजेंद्र जी शाह, चंद्रेश भाई बोलो, हाँ चलो अंतराय कर्म अनंत जे, तेना अनंत भाग नु वीर्य छे।
पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा शब्द मत छोड़ो इधर उधर बोलो। जसवंत भाई शाह, पीयूष भाई शाह, पीयूष भाई खाली शुक्रवार को ही बोलते हैं ना, उनको दूसरी क्लास में पूरा इंटरेस्ट कम। अच्छा ठीक है। सोनल बेन शेख, पूर्णिमा, पूर्णिमा बेन, दर्शना बेन, दीपा बेन, चलो जिसको बोलना है बोलो, टाइम जा रहा है। साहब जी, अंतराय कर्म अनंत गुना सत्ता में है और उसकी आत्मा की शक्ति अनंत में भाग की भी प्रगट है। बस अब इतनी सी बात है कि होना चाहिए था क्या, उल्टा हो गया है। होना चाहिए था अनंत गुने आत्मा की, अनंत गुना वीर्य गुण प्रकट होना चाहिए था, अनंत में भाग का ही कर्म बचा रहना चाहिए था, लेकिन हो गई हमारी स्थिति उल्टी हो गई। आज परिस्थिति ये है कि अनंत गुना अंतराय कर्म ज्यादा सत्ता में पड़ा है, उसकी तुलना में अनंत में भाग का ही आत्मा का अनंत वीर्य गुण प्रकट है। अब वो अनंत में भाग का गुण आप दर्शन की तरफ ले जाओ, ज्ञान में यूज करो, चारित्र में यूज करो, किताब में यूज करो, किसमें करना है। अब पर्यूषण आएंगे तब करना पड़ेगा, तब सीधे पहले यहां से ना आए। मारी शक्ति नहीं, मारी शक्ति नहीं, नहीं 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 मारा थी एकलू नहीं था। अब ये हमारी बात सामने आएगी सर, फिर इधर से मोहनीय कर्म आएगा सर, ना 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 मारा थे नहीं था ना, जवाब ना आपने अरे नेक्स्ट वर्ष आपका वर्ष से कर सो समझा, आ वक्ते जरा अब दीकरी ना लगन छे ने आम छे ने तेम छे ने आपने पची बात। अब ये बात आपकी आगे बढ़ेगी सर, क्या करना। ऐसी परिस्थितियां हमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो फिर आखिर हम जो है रुक जाते हैं। जब यहां से अंतराय कर्म ही हमारा नहीं घट रहा है, एनर्जी का जो मूल स्टोरेज है यहाँ पर, ग्रिड जो है एनर्जी का शक्ति का, अब वहां से ही शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आपके घर में 1000 वोल्ट का फोकस है लेकिन उसके अंदर करंट आ रहा है 25-30 का, तो क्या होगा। बल्ब की कैपेसिटी है लेकिन वहीं से पावर सप्लाई ही लोड बेयरिंग है, अब आप क्या करेंगे समझे। वैसे ही आत्मा की यहाँ पर ये क्या है, करण। अब ये करण आत्मा को 5 दिशा में डाइवर्ट करना है, उसमें आप जब जा करके इधर आप अपूर्व स्थिति घात करेंगे, अपूर्व रस घात करेंगे, अपूर्व गुण श्रेणी करेंगे, अपूर्व गुण संक्रम करेंगे, अपूर्व स्थिति घात करेंगे, ये पांचों हमने आज दिन तक पहले कभी नहीं किए, न इस जन्म में किए, न भूतकाल के भव में किए, और आज हमें करना है, तो ये सब हमको अपूर्व लग रहा है। नहीं नहीं मैंने कभी किया नहीं, नहीं मैंने ऐसा कभी किया नहीं, नहीं मैंने ऐसा कभी किया नहीं। जनरली हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या है, जो किया हो उसमें लोग जल्दी हाँ भरेंगे, विच हैपन्स इन योर लाइफ। कभी आपकी लाइफ में कुछ घटा है, कभी आपकी लाइफ में कुछ बना है। अभी आपको बोलिए बखारिया जी को बोलो पालीतना जाना है, तो हाँ तैयार छे हूँ, तो पहला ही जई ना रही छू, 2 बार नहीं 10 बार नहीं ना, तो आज उनको सब मालूम है। अब इनको बोलो कि कैलाश पर्वत पर जाना है, बाप रे आप मु काम नहीं हो भाई, समझे आप मु काम नहीं समझे, अब क्या करना था। पहले ही वहां पर आप जो है जहां आप गए हैं तो वहां की तैयारी है, वहां पॉजिटिव माइंड बनता है, और जहां कभी नहीं गए वहां आपको लगता है कि नहीं नहीं अब एवरेस्ट जाना हो साहब, एक तो अबे 50-60 नहीं तो उम्र थे कि ना, अबे आ उम्र है क्या एवरेस्ट चढ़िए साहब, पाली तना सही आओ। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि एवरेस्ट गए बिना चलेगा ही नहीं, अब उसका क्या करना, रास्ता आपको ही निकालना है ना, तो ये रास्ता निकालने के लिए पहले आप अपना डिसीजन कर लो, निर्णय आप खुद कर लो अपनी तरफ से। ये काम करने हमको ये 5 जो बातें हमको करनी है, तो पहले हमको एनर्जी भरपूर चाहिए, सब शक्ति प्रबल चाहिए। आप दृढ़ निश्चय कर लो मुझे मांस का मन करना है,
तो मांसक्रमण करना किसके लिए पॉसिबल है? जिनका वजन जो है 100 kg हो उनके लिए पॉसिबल है, कि जिनका वजन 50 kg हो तो भी कर सकता है? तो मांसक्रमण वाला क्या वजन देख के करेगा क्या? आप ये नियम बनाएंगे जो जो 100-100 kg के ऐसा मांसक्रमण करो, चलो भाई जिसका जिसका वजन है करो 100 kg वाले। अरे यहाँ तो बच्चे लोग कर लेते हैं, छोटी लड़कियां कर लेती हैं, वो कोई वजन देख के थोड़ी करते। आप अंतर देवी जी करेंगे आप क्या? इतना आपका तो 100 kg के ऊपर है ना, तो आप कर लेंगे मांस का मन? नहीं भगवान, नहीं नहीं नहीं, अब क्या करेंगे आप सोचो। तो यहाँ पर तो ये है कि हम अपनी तरफ से शक्ति किधर बढ़ाए, नंबर एक। तब कभी शरीर की शक्ति के हिसाब से नहीं होता है, तब आत्मा का गुण है, आत्मा की शक्ति के हिसाब से होता है, आत्मा की शक्ति अनंत है। अब बोलो कांति भाई, महावीर स्वामी नु वजन केटलू हतु? महावीर स्वामी ने 180 उपवास किए, उसके पहले वजन किया था? नहीं। उसके बाद में वजन किया? नहीं। पारणा करने के बाद में वजन किया? नहीं। अब 180 उपवास में उनका वजन कितना रहा, लेकिन उन्होंने वजन का विचार नहीं किया है, शरीर का विचार नहीं किया है, लेकिन 180 दिन तक खड़े खड़े रहना, जमीन पर बैठना ही नहीं, जमीन पर सोना ही नहीं, कावसगी करते रहना, विहार भी करते रहना, चौबिहारे उपवास करना। अब वो 50 किलोमीटर भी चले जाए तो भी चौबिहारे उपवास, पची तमे शू के सो? ये तो भगवान था ने, हमने थोड़ी भूख लागे कहीं, हमने शू था, हमने तो भगवान था, हमने शू था, हमने शू लागे, हमने भूख न लागे, हमने पानी, हमने ऊँग नौती आती तो शू करे? अरे एक वक्त क्या गोली बनी थी, काम को लिब्रियम को एक ट्रैंकिलाइजर, ऊँगनी गोली नौती तो शू करे बेचारा, ऊँग ना आती हो तो शू करे? अरे ऊँग आते हुए भी नींद को उड़ाने के लिए इतने अप्रमत्त रहे, तब जाके 12.5 बरस में इतने कर्मों का क्षय कर सके। आज अगर हम करने बैठे, हमारे इतने कर्मों का क्षय करना हो, जिन कर्मों का हिसाब 12.5 हजार बरस का, और 12.5 हजार बरसों के कर्म हम सिर्फ 12.5 बरस में ही क्षय करें विद इन मिनिमम टाइम। अब ऐसा कभी होगा? अपूर्व करण की बात हम करते हैं। अब जरा विजय भाई एक दो मिनट क्रिकेट की बात करके बात पूरी करता हूं। हुआ ऐसा, एक क्रिकेट टीम के अंदर लास्ट प्लेयर तो बॉलर ही होता है, आपको भी मालूम है ना, सबको लास्ट प्लेयर समझा। अब जो है हमेशा फर्स्ट जो है सेंचुरी वगैरह कौन बनाए, मैक्सिमम रन कौन बनाए। लेकिन हुआ ऐसा कि 20 बरस से क्रिकेट की टीम में खेलते हुए कभी भी लास्ट बॉलर के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं आई। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो टॉप प्लेयर्स थे वो सब आउट हो गए, कोई ज्यादा स्कोर बना नहीं सके, और सामने वाली टीम जो थी उन्होंने इतने रन बना लिए, सब कुछ हो गया। अब बात कहाँ आ गई, लास्ट बॉल पर लास्ट प्लेयर को सिक्सर लगा करके 6 रन बनाने, अगर बना ले तो जीत जाए, नहीं बनावे तो हार जाए। बोलो विजय भाई, तुमने मोक लिए शो कर सो? सिक्सर मारवानी सुरत सर मारी एक्सो। हाँ एम हाँ काले मोकल तुम्हारू नाम मोकला वे लास्ट बॉल के अंदर सिक्सर लगानी है, और यहाँ पर फील्डिंग इतनी टाइट कर दी उन्होंने सब ने अपनी तरफ से, और बॉलर भी ऐसा एक्सपर्ट लाया है, बॉलर कह रहा है मैं बहुत सीधी थ्रो बॉल के अंदर आउट कर, और लास्ट प्लेयर बचा है बॉलर है बेचारा, और वो कोई बैट्समैन नहीं है, और उसने अपनी लाइफ में कभी सिक्सर नहीं लगाया। अब विजय भाई ने अहिया बोलिए पूछिए तो जरूर बोली जाए, पर एने त्या अगर मैदान में मोकली पछी खबर पड़े समझाए। 20 बरस की कैरियर में लाइफ में उसने कभी एक भी सिक्सर नहीं लगाई है, और ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई है,
एक ही बॉल बची है, लास्ट बॉल में सिक्सर लगाना है और उधर जो है जो आउट होकर के सब चले गए और वो उसको वहां से उकसा रहे, लगा जोर से लगा जोर से लगा। अब वो जोर से लगाया तो इधर 11 टीम में उन्होंने सामने सबको जो है ऐसे खड़ा कर दिया कि अलर्ट हो जाओ, जिससे हाथ में आवे कैच पकड़ लेना। बोलो अवे शू था है? इसकी लाइफ के कैरियर में तो अपूर्व करण, ना तो कभी इसने लाइफ में सिक्सर लगाई है, ना कभी ऐसी परिस्थिति आई है और ना कभी जो है उसको एक बॉल में लास्ट में सिक्सर लगाकर जीतने की नौबत आई। अब पहली बात तो उसको मेंटल एनर्जी चाहिए कि फिजिकल एनर्जी चाहिए? देखो अब उसको फिजिकल एनर्जी चाहिए कि मेंटल एनर्जी चाहिए? तो वहां से कैप्टन टोटल एनर्जी यूज कर लेना, जो होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन तू पहले से ही जो है बिल्कुल एकदम अपनी तरह से डिप्रेस मत हो जाना। बोलो अवे अवे विजय भाई शू करवू? अहिया ग्रंथि भेद करवू छे, क्यारे करियू नथी, क्यारे एक्सपीरियंस नथी, अने आ ग्रंथि भेद बहुत सॉलिड है, अब ये आप कर ही नहीं पाओगे। इधर से 100 जने सब कहने वाले हैं नहीं 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 कर ही नहीं पाओगे, नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे। आपके सराउंडिंग नेगेटिव मेंटालिटी वाले कितने लोग हैं और आपके सराउंडिंग में से पॉजिटिवली आपको एनकरेज करने वाले कितने हैं? बोलो कितना जन से तुम्हारी सराउंडिंग आप देख लो संदेह। एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी और सामने ऑडियंस तो एक 10,000 लोग पब्लिक बैठी है। अब 10,000 में से उस देश के लोग जितने जो बैठे हुए वो उनका हो करके माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो सब होना ही है, ये तो सब करना ही है, होने ही वाला है। अब विरोधी देश के लोग इतने बैठ करके हो हल्ला करके उसका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इतना हो हल्ला मचा हुआ है, इतनी मतलब ऐसी गंभीरता परिस्थिति की बनी हुई है, एक व्यक्ति के मनोबल पर विल पावर पर पूरा आधार है। 11 जने तो 10 जने तो कैच पकड़ने के लिए खड़े, वो ऐसे ही हाथ करके तैयार खड़े। एक बस एक कैप्टन ने आकर उसको बोला है तू किसी को मत देख, किसी की तरफ मत देख, ऑडियंस की तरफ मत देख, कोई चिल्लाते हैं बस सुनना ही मत किसी की, बस तू तेरी टोटल एनर्जी आज यूज कर ले। બોલો હવે વિજય ભાઈ ને મોકલી પ્લેયર જો હૈ ક્યા વો બોલિંગ નહીં જાનતા હૈ, ક્યા વો બેટિંગ નહીં જાનતા હૈ, ક્યા ઉસકો માલૂમ નહીં હૈ, ક્યા ઉસને કભી, લેકિન જબ સે વો બિલકુલ યહાં પર अब फाइनल टीम के अंदर आए 20 बरस हो गए, उसने कभी लाइफ में सिक्सर नहीं लगाया। वो खुद ही बॉलर है, वो खुद ही ऐसी बॉलिंग करके कई बार लोगों को आउट कर चुका है, तो आज उसको मालूम है कि मेरे सामने भी बॉल कैसी आएगी। जिसकी एक्सपर्टाइजेशन बॉलिंग में है और उसको आज लास्ट में एक बॉल पर सिक्सर लगा। बोलो अभी कौन नाम याद करे? कांति बहनों के विजय बहनों को ना नाम नहीं माला गणे जी, मिया दादे एक बार सिक्सर लगावे तो आपको देश भूलियो नहीं थी जी। चलो अबे आपने विजय भाई ना बदले आ रसीला बहन ने मोकली है, हमनु काम छे हमने पैदा ना उतारी है, समझा के अब देखो क्या होता है। इसका नाम है अपूर्वकरण।
अब ये अपूर्व करण है, ये चलो जाने दो आप, ये क्रिकेट की स्टोरी का मतलब नहीं, क्रिकेट की स्टोरी से मतलब नहीं, आपको डिस्करेज होना नहीं है। क्या लाए सबसे पहली बात कि डिस्करेज तो होना नहीं है, आप डिस्करेज हो गए तो ग्रंथि भेद नहीं होगा, अब वापिस नहीं जा सकते हो। चरम यथा प्रवृत्तिकरण करने के बाद जीव वापिस नहीं जाएगा, चरम यथा प्रवृत्तिकरण जब तक नहीं किया है, सादा यथा प्रवृत्तिकरण किया है वहां तक आप वापिस जा सकते थे, एक बार नहीं, पांच बार नहीं, पचास बार नहीं, सौ बार आप वापिस जा करके आए, लेकिन when you enter in that, अब आप नहीं जा सकते। अब आप सोचिए, अमेरिका से निकले, प्लेन पकड़े, यहाँ 9 घंटे लेट थी प्लेन, वो आ भी गए, यहाँ एयरपोर्ट पर उतरे, वहां के सब कस्टमर क्लीन करते करते, इतना लड़ाई झगड़ा करते हुए, सब कुछ करते हुए, सोसाइटी में 10वें माल पर उनके गेट तक, दरवाजे तक पहुंच गए। अब हिम्मत नहीं हो रही है कि उनका बैल खटखटाओ, अंदर जाना कि नहीं जाना, ना ना अवे जवाब उन्हें पाछा दिया। अरे आपने 2 दिन बिगाड़े, કેટલા ની ટિકિટ થાય છે કાકા, ખબર છે ને ઇન્ડિયા આવવા માટે? અબ ઇતના સબ ટાઈમ, ઇતની ટિકિટ, સબ બિગાડા, સબ કુછ કિયા, યહાં તક પહોંચ ગયે, ઓર દરવાજે પર આને કે બાત નહીં, નહીં હવે જવા દો ને, હવે ખિડકી આપને દરવાજો જવા દેલ દે, ક્યો ક્યા હો ગયા, ક્યો ક્યા હો ગયા ભાઈ સાહેબ? એમને વર્ષો જૂની વાત યાદ આવી, વર્ષો જૂના પુરાના ઝઘડા યાદ આવી। अबे आजे क्या जऊ ने जुनो झगड़ो कारे तो बात करे तो शू कर। रात के 12:30 बजे यहां से दरवाजे से वापिस निकले, वापिस निकल करके अब कहाँ जाए, तो भाईखला जाकर धर्मशाला में उन्होंने, फिर बोले धर्मशाला में गए, वहां वापिस उधर रात के 12:30 बजे बोले, वॉचमैन ने बोला शेठ अभी चाबी नहीं है, अभी कोई किसको पूछो, कोई नहीं है। 12:30 बजे वहां से सामान उठाया, फिर वापस बॉम्बे सेंट्रल गए। अब बॉम्बे सेंट्रल जाकर गेस्ट रूम के अंदर, वहां पर 1:30 बजे उन्होंने अपने बिस्तर पर वो सोए। अब बिस्तर पर सोए, वहां का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सुबह तक उनको नींद भी नहीं आई। अब नींद नहीं आई तो करना क्या? अब बॉम्बे सेंट्रल सुबह 10 बजे जाकर गाड़ी पकड़ के फिर वापिस वो अपने बड़ौदा जाकर के अपने घर जाकर सो गए। अब निकले अमेरिका से, वहां से यहाँ तक आए, जिनको बंबई में जिनके पास जाना था उनके दरवाजे से वापस लौट। अब ये सब सुन के आपको अफसोस लगता है कि नहीं लगता है? कितना पैसा बर्बाद गया, कितना टाइम, कितनी परेशानी, कितनी, लेकिन ये सब यथा प्रवृत्तिकरण में होता है, ये बार बार होता है, ऐसा ही होता है यथा प्रवृत्तिकरण में। अब क्या हो गया भाई साहब, जब टिकट निकाले और अमेरिका से आए और यहाँ तक आए, तब आपको पुराना झगड़ा याद नहीं आया, तब आपको पुरानी बात याद नहीं आई? ना ना अभी आज जूना आटला 40 वर्ष पहला ना, कदाच जैसे 1,000-10,000 रुपया मांगशे तो हूँ शू करीश पछी, अने पछी जो कहसे के 40 वर्ष नो ब्याज आपको तो शू गए, तो वो दरवाजे से बैल बजाए बिना वहां से वापिस रवाना। तो यही प्रक्रिया है, यही राग द्वेष है, यही क्लेश कसा है, ये यथा प्रवृत्तिकरण में ऐसा बार बार होता है। बट वंस यू एंटर इन द चरम यथा प्रवृत्तिकरण, अब आप वापस नहीं जा सकते हो, अब तो अपूर्व करण किए बिना दूसरा विकल्प ही नहीं है, और अब आप जो है निरुत्तर नहीं होंगे, आप जो है डिस्करेज नहीं होंगे, आप फिर से नए क्लेश कसाए नहीं बढ़ाओगे। अब आगे देखो, अपूर्व स्थिति घात ही करना है, अपूर्व रस घात ही करना है, अपूर्व गुण संक्रम ही करना है, अपूर्व गुण श्रेणी ही करनी है, और अपूर्व स्थिति घात करना है। ये 5 बातें हमको समझनी है, तब जाकर के आप आगे ग्रंथि भेद तक पहुंचेंगे। वो कहते ना अभिमन्यु के 7 कोठे हैं, तो एक एक कोठा पार करके वो आगे बढ़ता है।
अब ये माता जी को क्या इतनी अधीराई हो गई है कि महाराज साहब जल्दी करो ना ग्रंथि भेद हो जाए, जल्दी करो ग्रंथि भेद हो जाए, ये महाराज साहब लंबा करते हैं और क्या करना है, अब क्या करना, अब क्या करना, बड़ी समस्या विकट होती जा रही है। बोलो माता जी, आपको भेजे क्या वहां पर एक बॉल में सिक्सर लगाना है? साहब जी पीछे नहीं जाना, आगे ही बढ़ना है तो और हर चीज को समझना है। अब यहाँ तो पीछे जाने की नौबत आ गई, नहीं अब कैसे पीछे करना, नहीं जाना पीछे नहीं मुड़ना, आगे ही जाना है। बस बहुत अच्छी बात है, आगे जाना है, इधर आगे जा नहीं सकते और अब पीछे वापस मुड़ नहीं सकते था। अब ये आप इस स्टेज में आ गए, जब आगे जाने की बात आएगी तो पहले ये बोले कि मारू अंतराय कर्म एटू भारे छे मारा वे शक्ति रही नथी। फिर आप क्या बोलेंगे, अब तो मेरा अंतराय कर्म इतना ज्यादा अब तो शक्ति नहीं है साहब, अब कैसे करूं। लेकिन डरिए मत, यथा प्रवृत्ति करण करके आपने आधा हिमालय तो उठा लिया है, उठा लिया है। हाँ, यथा प्रवृत्ति करण करके 70 कोड़ा कोड़ी से 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर आने का इतना बड़ा काम कर लिया है, अब डर के क्या फायदा। अब मैदान में आए हुए हैं, अब लास्ट बॉल बाकी है, लेकिन लास्ट प्लेयर भी तो बाकी है कि नहीं, वो भी तो देखिए, दूसरी साइड प्लस पॉइंट देखिए। अभी एक बॉल है तो सही ना, एक प्लेयर हमारा है तो सही ना, आप बाजी बदलो, पॉजिटिव लेना शुरू करो, आप क्यों नेगेटिव सोचते हो। अब आप इस कंडीशन में आ गए हो, चरम यथा प्रवृत्ति में न पीछे जा सकते हो, अब न आगे जा सकते हो, तो फिर देखो अब चलेंगे ही चलेंगे, अब दीवार भी आएगी तो चलेंगे, दीवार भी आएगी तो चलेंगे, अब तो रुकेंगे नहीं साहब, अब रुकने वाले नहीं, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब ये बात आएगी आगे, हम चलेंगे आगे, मैंने इंट्रोडक्शन दी है अभी आपको, आप थोड़ा सा और सोच समझ करके आ जाना भाई साहब। अब मैं पिछली बातें नहीं आएगी, यथा प्रवृत्ति कारण की बातें सब बीत गई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब अपूर्व करण की ही ये बातें आएगी। अब ये 5 विषय हमारे सामने खोले हैं, मैंने पत्ते खोल तो दिए, अब इसको समझेंगे, क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हाँ, ओके, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनाउंस वन बाय वन नेम। तो फर्स्ट रतिला बेन, अपूर्व करण, अनुत्तीकरण, ग्रंथि भेद, ये सब प्राप्त करने के बाद फिर भी अर्ध पुत्थल प्रावर्तन काल बाकी रहता है जीव का, या मैक्सिमम वो काल है? हाँ, ये मैक्सिमम काल है, अभी तो अपूर्व, ये तो आपको जो है बीज बोना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद आपके लिए अर्ध पुत्थल प्रावर्तन काल बाकी रहता है, तो वो तो मोक्ष में जाने के लिए, ये सम्यक दर्शन तो मोक्ष प्राप्ति का बीज बोने की बात, मतलब गुण स्थानक वगैरह सब बाद में चालू होंगे, अभी अभी यहाँ से चालू हो रहा है, ये पहले गुण स्थान पर होने वाली प्रक्रिया है, पहले अभी यहाँ से आपको चौथे पर आना है, जब आगे आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तब चौथे पर चढ़ेंगे। जी हाँ, कांति अंकल। हमारे साहब, तो जैसे आपने पहले कहा कि अपूर्व करण का दरवाजा खुल गया जब आप चरम यथा प्रवृत्ति करण में प्रवेश कर गए, आ गए 1 करोड़ कोड़ी पर, तो चरम यथा प्रवृत्ति करण में जो आपने अंतर्मूत काल का जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, उसमें आपको क्या हुआ और आप अपूर्व करण में एंटर हुए, तो अब ये स्थितियां आ गई है जो अपूर्व स्थिति, रसघात, गुणघात वगैरह, तो ये आप जरा समझाइए मेहरबानी करके। अब आपको यथा प्रवृत्ति करण में लास्ट चरम यथा प्रवृत्ति करण में आ गए, यथा प्रवृत्ति करण की प्रक्रिया वही थी, अब किसी प्रकार के क्लेश कसाय से वापिस नहीं जाना है,
ख्याल आया। आप ये बताइए कि शादी की हुई लड़की वापिस आ सकती है कि दीक्षा लिया हुआ वापिस आ सकता है? अच्छा, तो इसके बाद अभी ये जो यदि कर ले अपूर्व करण की जो है, तो आप ग्रंथि भेद में आ गए और ग्रंथि भेद पास कर ली, राइट? अभी 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 आगे मत बढ़ो आप, अभी ग्रंथि भेद को दे रही है, अभी आप जो है अपूर्व करण के दरवाजे पहुंच गए। अच्छा, ओके, मतलब वंदना भी सर। चंद्रेश भाई सब अपूर्व करण मीन्स फर्स्ट टाइम, करेक्ट? अपूर्व करण मीन्स फर्स्ट टाइम टू गो आए, फर्स्ट टाइम हाँ, फर्स्ट गो गोइंग आए, करेक्ट? सुनीता आंटी, साहिब जी जैसे गौतम आपने कहा कि गौतम स्वामी ने 5-6 मिनट के अंदर ही ये सारा कुछ कर लिया पूरा, मतलब जो यथाप्रवृत्तिकरण पूरा करके सब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जैसे उन्होंने 3 भव पहले गौतम स्वामी ने गंधर्व पद का गंधर्व नाम कर्म का उपार्जन किया था, तो उस समय वो सम्यक तो उनको प्राप्त नहीं था क्या? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, क्या लायक बहुत बड़ी समस्या है। अब पिछले भाव में करके आए हैं उस समय तो सम्यक दर्शन तो आज ही हो रहा है, ऐसा समस्या तो ये बड़ी प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब गौतम स्वामी के तो 5 भाव आते हैं, 5 भाव बताए, क्या लाए अब मैंने 5 भाव तो आपको यहाँ तो नहीं बताए हैं, लेकिन के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ जी, उनके 5 भाव जो है वो जरूर, अगर आप चाहे तो मैं बताऊं। नहीं, जरूर साहब जी, उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हाँ ठीक है, 5 भाव में भी गंधर्व नाम कर्म कब किसने कहाँ बांधा है ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है, लेकिन जैसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है वैसे गंधर्व नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, अब वो कौन कब कहाँ किस तरह उपार्जन करता है उनके चरित्रों में नहीं आता। देखो और किसी को पूछ के पता करेंगे। कुंजल बेन साहिब जी, अपने यथा प्रवृत्तिकरण हो रहा है वो अपने को पता चल रहा है? बरोबर पता चलता है, जब हमारे भाव परिणाम इच्छा और उसके अंदर जब आपको पता चले उतनी तीव्रता के साथ पता चले तो जरूर पता चलता है, क्या लायक। और वो कितना टाइम टिकता है, उसका कुछ समय है? हाँ, कोई समय फिक्स नहीं है, आपके क्लेश का समय नहीं होगा तो आप बरोबर टिकेगा, क्लेश का समय बढ़ गया तो चला जाएगा बस। और साहब जी इसका जो अपना अपूर्व स्थिति गात, तो कर्म की स्थिति को गात करना है, रस को गात करना है और बिना कर्म की भूमि करनी है ना? बरोबर, अब आगे ये आगे आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास इसी पर है ना, अपूर्व स्थिति गात बनना सर। नीति बेन जी, महाराज जी जैसे हमने चरम यथा प्रवृत्ति करण कर लिया, उसके बाद अपूर्व करण हो गया, ग्रंथि भेद हो गया, तो ऐसे बीच में कहीं भव तो नहीं चेंज हो जाएगा ना? उसी भव में हो जाएगा ना, अगर एक चरम में आ गए हम, अपूर्व करण भी कर लिया, फिर तो भव बीच में पहले की यथा प्रवृत्ति करण में चेंजेस है, बाद में आप चरम यथा प्रवृत्ति करण कर लिया तो फिर भव नहीं बदलेगा, फिर आपको उसी में पूरा करना है, जब हम 70 से 1 कोड़ा कोड़ी पे आ गए तो 1 से अब हम वापिस तो नहीं जाएंगे ना? 1 तक आ गए फिर तो आगे पहले वाले में जा सकते थे, अब चरम वाले में नहीं जाएंगे। पर चरम तभी होगा ना जब 1 कोड़ा कोड़ी रह जाएगा, तभी होगा। बराबर, थैंक यू महाराज।
साहब जी अ वेरी वेरी सिली क्वेश्चन आई एम वेरी सॉरी राइट नाउ मिच्छामि दुक्कड़म साहब जी व्हाट हैपेंड टू द बॉलर डिड ही डू द सिक्सर और नॉट That was a good question. I like that. You are a sixer. You are a hitter. Vijay bhai aur Kanti uncle they must have done six. I know. Dhoni ne mara tha. Dhoni ne. MSD ne mara tha sixer last ball pe. Okay. Vijay bhai. साहब जी ये जो सुनीता बेन ने क्वेश्चन पूछा जो नाम पर काका पहले तुम्हें पारुल बेन का प्रश्न का उत्तर आप ही दो सिक्सर का प्रश्न से तुम्हें को भाई पारुल बेन कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन प्लीज ओह माय गॉड आंसर इज यस महाराज सर अरे भाई सिक्सर इज वेरी इजी थिंग इट इज नॉट इम्पॉसिबल ग्रंथि भेद इज इम्पॉसिबल सिक्सर में तो कौन सी बड़ी बात है हमारा विजय भाई ने मोकलो तो हमने सिक्सर लगा ही ना है लेकिन ग्रंथि भेद जो है नेक्स्ट इम्पॉसिबल हाँ ग्रंथि भेद इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल सिक्सर इज पॉसिबल समझे साहब जी प्रश्न ये था प्रश्न नहीं था कमेंट था कि तीर्थंकर नाम कर्म बंद या गंधर नाम कर्म बंद का ग्रंथि भेद से कोई संबंध तो है कि या नहीं है पहले हो जाता है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई भी कर सकता है तीर्थंकर नाम कर्म का संबंध ग्रंथि भेद के साथ अनिवार्य है बिना ग्रंथि भेद किए कोई भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर ही नहीं सकता है अब यही सेम नियम जो है इसके लिए गंधर नाम कर्म के लिए है कि नहीं वो प्रश्न है अब इसके लिए जो है गंधर नाम कर्म के लिए भी अगर सेम नियम है तो ये माता जी ने जैसा पूछा कि भाई उन्होंने कब उपार्जन किया था सम्यक दर्शन तो आज प्राप्त कर ले हैं तो बिना गंधर नाम कर्म के वाले भी गंधर बन रहे हैं ये हो रहा है फाइनल ऐसा लगेगा जी महाराज जी थैंक यू नरेंद्र भाई मथेर वंदामी साहब सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद ये जो अपना रह जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना जीवन तो उसमें ये इस हिसाब से ग्रंथि भेद ये जो सम्यक दर्शन में क्या समानता है नहीं, आप आगे की बात कर रहे हो अभी सम्यक दर्शन की बात मतलब सम्यक दर्शन की अभी स्थिति नहीं आई है उसके बाद आएगी सम्यक दर्शन की स्थिति अभी बहुत देर है सम्यक दर्शन होने की आप बहुत आगे चले गए आगे का प्रश्न कर मथिन मंडामी महाराज साहब ये पांचवे आर्य में ये यथा प्रवर्तीकरण से चरम यथा प्रवर्तीकरण में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते है अब पांचवे आर्य के इसका प्रतिबंध खाली मोक्ष के साथ है इसके साथ कोई प्रतिबंध नहीं है अच्छा आप रोज करिए आज करिए आप भी कर सकते हो आज भी कर सकते हो कोई ना नहीं अच्छा ठीक है लास्ट क्वेश्चन नीता बेन एंड सुनील भाई वखारिया મથેડ મંડામી સાહેબ આના માટે હું મિચ્છામી દુક્કડમ પહેલેથી માંગેલો પણ બહુ વિમર્શનમાં પડી ગયેલો હતો છેલ્લા બે કલાકથી એક મોટી દ્વિધા થઈ ગયેલી કે નરેન્દ્રભાઈ ને અમિતભાઈ મને હવે ઇન્ડિયામાં પગ પેસારો નહીં કરવા દે કારણ કે આપે મને પાકિસ્તાન ઇનામમાં આપ્યું બે કલાક પહેલા સાહેબ ઇનામ લઈને આવજો ને તમે શું પણ કરું છું મારા સાહેબ આપે હજી કોઈને પણ એક નથી આપ્યું ક્ષેત્ર આપ્યું છે બધું આપો છો પણ એક આપી દો મહાવીર ક્ષેત્ર સાહેબજી એક નમ્ર વિનંતી છે કે જિંદગીમાં કોઈ બી કમ્પ્લેન્ટ નથી વાંધો નથી ફરિયાદ નથી ખાલી આપના આશીર્વાદ ને જંખીએ છે બસ બહુ બહુ આશીર્વાદ બસ હવે તમને
તમે કાલથી રાધિકાની હાથે ક્લાસમાં બેસજો બસ સાહેબજી હમણાં હમણાં મારે મોટી બધી ડેડલાઇન્સ છે ના ના અનુમોદ ના સાહેબજી ઉપવાસનું પછાણ આપો ને સાહેબજી ઉપવાસનું પછાણ આપો एसो पंच नमकारो सर्व पाप परासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चौतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडतो धर्मो मंगलम चतारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पंडतो धर्मो लोगोत्तम चतारी शरणं भवत्यामि हरिहंते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम् प्रार्थना कराइए हमी सव जीवे खमंतु मे मिट्टी में सब भुए पेरम मज्जन केणई हरिहंतो महादेवो यावज्ञं सुसाहणो गुरु समत्तमये गह्यम् गुजराती में हिंदी में बोलू बाद में हिंदी में सभी जीवों को मैं क्षमाता हूँ सभी जीव मुझे क्षमा करो सबके साथ मेरी मैत्री है किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है किसी के साथ हरिहंत ही मेरे भगवान है साधु ही मेरे गुरु है साधु ही मेरे गुरु है ज्ञानेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन भर स्वीकारता हूँ ज्ञानेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन भर स्वीकारता हूँ समित्व में ग्रहण करता हूँ ऐसा समित्व में ग्रहण करता हूँ Tomorrow we will have a class of Granthi Bhed again at 8 PM India time and 10:30 PM Eastern Standard Time USA. जी जी
ग्रंथि भेद पेपर फॉर क्लास 1-5 विल कम आउट सून जस्ट सो दैट वी आर अनाउंसिंग अहेड ऑफ टाइम फॉर क्लास 1-5 द ग्रंथि भेद पेपर विल कम सून क्वेश्चन आंसर है कि 1-5 ग्रंथिभेद के क्लास की जो कल आज इंडिया टाइम सुबह और मैंने कल रात को भेजी थी यूएसए टाइम में लिंक भेजी है तो वो आपको 1-5 तक का क्लासेस की तैयारी करनी है देखिए और उसके एग्जाम पेपर आएगा एंड ऑल्सो देर इज 52 and 53 का जो है वो भी भेजा है तो आप वो भी टेस्ट प्लीज है प्लीज डू अटेम्प्ट दैट नहीं तो ग्रंथि भेद के टाइम लिमिट है क्या एग्जाम कब है टाइम लिमिट भेज दिया है टाइम लिमिट रखा नहीं नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है टाइम लिमिट कुछ नहीं है टेन वो क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन ही रहेगा गूगल फॉर्म में मल्टीपल चॉइस कब है पेपर एग्जाम कब है इट विल कम आउट इन फ्यू डेज हां जी साहब जी नमोरिंतानम हां हां ओके हां हां जी साहब जी